हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके विलेज डायरी गोम बताओ चैनल में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी पहली 2-3 वीडियो को इतना पसंद किया। आशा करता हूँ ये वाली वीडियो भी आपको अच्छी लगे। दोस्तों, इस समय गेहूँ फसल की कटाई छटाई मंडाई हो रही है। ऐसे में हमारे पहाड़ के लोग बहुत बिजी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ में आज भी हम लोग पुराने तरीक़ों से ही गेहूँ की कटाई छटाई करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमारे पहाड़ में गेहूं काटने के बाद उसकी छोटी छोटी गड्ढियां बनाते हैं, इन्हें हम बिठोआ बोलते हैं। फिर इन सभी बिठोओं को रस्सी से एक साथ बांधकर भारा लगाते हैं और पीठ पर रखकर घर लाते हैं। खेतों से काटा हुआ गेहूं घर पे लाने के बाद सभी गेहूं की छटाई करते हैं। गेहूं की छटाई करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इसकी एक एक बालियों को पकड़कर एक साथ छोटी छोटी कुछ इस तरह बनाते हैं। और फिर इन सबको एक साथ बांधकर इस तरह से गडुआ बनाते हैं और सभी को खड़ा करके इन्हें धूप में 1 या 2 दिन तक सूखने के लिए छोड़ देते हैं। एक या दो दिन अच्छे से सूखने के बाद अब इसे काटते गेंदते हैं, हम इसे दाई गेंदना बोलते हैं। आप देख रहे होंगे, कटने के बाद बालियां अलग हो गई हैं और जो बचा हुआ नीचे का हिस्सा है वो गाय भैंसों के चारे के काम आता है। अब गेहूं की बालियां मंडाई कुटाई के लिए तैयार हैं। ये देखिए हमारे चाचा जी और दादी जी, इनके अपने खुद के बैल हैं, इसलिए ये बैलों से दाई बना रहे हैं। जिनके पास अपने खुद के बैल होते हैं वो बैलों के पैरों से गेहूँ की बालियों को कुचल कर गेहूँ को बालियों से अलग करते हैं। जिनके पास अपने खुद के बैल नहीं होते वो डंडों लट्ठों से गेहूं की बालियों की कुटाई इस तरह से करते हैं। ये देखिए सभी गेहूं की कुटाई में लगे हैं। चाचा प्रणाम। शाबाश मामू। यूं जान दे। अंदर छंटी चाची प्रणाम। जय माँ चांचड़ी देवी। ये माँ चांचड़ी देवी का मंदिर है। माँ चांचड़ी देवी हमारे गांव की कुल देवी है। ये देखिए दीपू भाई के घर के लोग भी ताबड़तोड़ कुटाई कर रहे हैं। हमारे गांव की रामलीला यहीं पर होती है। अभी मैं जहां पर खड़ा हूं, दरबार स्टेज यहीं पर लगता है और सीधे आगे की तरफ सभी दर्शक बैठते हैं। रामलीला के टाइम यहां बहुत भीड़ रहती है।
चाची सोच रही होगी आज ये कर क्या रहा है। ये देखिए अब भाभी जी गेहूं में से भूसा चिला अलग कर रही है। गेहूं साफ नजर आने लगा है।